आज मैं आपको एम एस वर्ड की एक दो ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। चलिए हम एम एस वर्ड में कोई एक ब्लैंक पेज लेते हैं और हम चाहते हैं कि एक का हम टेबल क्रिएट करें, वो भी जल्दी और बिना किसी टूल के हेल्प के, मीन्स बिना कहीं इधर गए कमांड्स का यूज किए, रिवन का यूज किए। तो आप कर सकते हैं काम जो आपका बैक स्पेस के बाजू में रहता है प्लस साइन, आप उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करिए, आपका ऐसा प्लस आ जाएगा। टैब प्रेस करिए, फिर से ही आप साइन यूज करिए, आप जितने कॉलम चाहते हैं आप यही प्रोसेस रिपीट करते जाइए। आपको करना क्या है, बस एंटर कर देना है ऐसे करके, ये देखिए आपके पास कॉलम्स बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहें कि इसकी रोज़ आप और ज़्यादा कर लें, इसकी नंबर्स बढ़ा लें, तो आपको करना क्या होगा, आपको टैब प्रेस करते जाना है, तो आपके रोज़ की जो नंबर से संख्या है वो बढ़ती जाएगी। ये रही आपकी पहली ट्रिक। और जो सेकंड ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसे आप इंसर्ट पे जाते हैं, शेप्स में जाते हैं, कभी कभार रिज्यूम बनाते हैं, तो आप इस तरह की लाइन यूज करते हैं, खींचते हैं, और इस लाइन की थिकनेस कुछ भी हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये आप लाइन एक दूसरी भी ट्रिक है जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये कि जो आपका हैश का साइन होता है वो होता है आपका थ्री पे, आपके कीबोर्ड में थ्री में एक हैश का साइन होगा। तो आपको करना क्या है, बस शिफ्ट के साथ उस हैश को तीन बार ऐसे प्रेस करना है और इंटर कर देना है। तो ये देखिए आपके सामने एक लाइन जिसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा है वो आपको ऐसे नज़र आएगी। सेकंड नंबर ये होता है, आप चाहें तो तीन बार इक्वल टू ऐसे यूज करें, प्रेस करें और इंटर कर देंगे, आपके सामने दो लाइन डबल लाइन एक सिंगल लाइन आपके सामने ऐसे आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन ये होता है जो आपने अभी प्लस साइन जो आपने अभी इक्वल्स टू यूज किया था, उसके बाद में एक आपकी है डैश की लाइन, आप उसे तीन बार यूं कर दीजिए, डैश प्रेस कर दीजिए और फिर आप एंटर मार दीजिए। ये देखिए आपके पास एक सिंगल लाइन आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, जब आप रिज्यूम बना रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, आपको जल्दी से काम करना होता है, तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप इसे यूज करिएगा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है।